उन्नाव के शुक्लागंज में गंगा स्नान करने गए चार युवक डूबे, गोताखोरों ने दो को बचाया, दो की गई जान। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर पीएम मोदी ने जारी की बाघों की गणना, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट को किया गया जारी, पीएम बोले बाघों के लिए भारत सुरक्षित जगह। सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ा भक्ति का सैलाब, हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रहे शिवालय। और सबसे पहले बड़ी खबर बांदा से, बांदा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डबल मर्डर के बाद हत्यारे ने खुद को मारी गोली। बांदा से बड़ी खबर, डबल मर्डर के बाद हत्यारे ने खुद को गोली मारी। मां बेटी की गोली मारकर की हत्या, हत्या से इलाके में हड़कंप। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा मान रही है पुलिस, डीआईजी व पुलिस अधीक्षक मौके पर। मामला किरवा थाना अंतर्गत क्षेत्र के थाने से चंद कदम की दूरी का मामला, जहां डबल मर्डर के बाद हत्यारे ने खुद को गोली मारी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनंत बांदा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत, डबल मर्डर का ये मामला क्या कुछ बताएंगे आप? देखिए, आज दोपहर करीब 12 बजे ये गिरवा थाना अंतर्गत थाने से चंद दूरी पर ही कालका मंदिर के पीछे हुआ ये हादसा। इसमें एक तरफड़े युवक ने अपने पड़ोस के ही पड़ोस में रहने वाले परिवार के दीवार को फान करके अंदर गया और वहां पर उसने सबसे पहले अपनी प्रेमिका को गोली मारी, और जब वो उसकी माँ जो है बीच में आ गई तो उसने फिर माँ को भी गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी कनपट्टी पे गोली मार करके इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से पुलिस भी इस मामले को प्रेम प्रसंग का मामला मान रही है और इसी ओर जांच की जा रही है, जैसा कि बताया जा रहा है, पड़ोसियों का क्या कुछ कहना है, कुछ स्पष्ट बताया उन्होंने कि वाकई मामला प्रेम प्रसंग का ही था? देखिए, जो मृतक मृतक जो परिवार है, जो ये माँ बेटी का परिवार, जो माँ बेटी जो मैं हुई है, उनके पिता का कहना है कि कल रात में ये सुधांशु नामक युवक आया था और गाली गलौज करके गया था, और जब ये पिता खेत चला गया तो उसके बाद इसने घटना को अंजाम दे दिया और आस पड़ोस के लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। बस पुलिस व जो भी मौका घटनास्थल पर जो भी लोग हैं, जो भी वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, वो इसे प्रेम प्रसंग से ही जोड़ के देख रहे हैं। जिस तरह से प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने इतना घातक कदम उठाया, डबल मर्डर कर खुद को भी मार लिया, आत्महत्या कर ली, क्या परिवार को इसका अंदाजा था कि युवक इस तरह का कदम उठा सकते हैं? देखिए, इन चीजों का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसको गहनता से ये माना जा रहा है कि क्योंकि इसका वहां पर आना जाना था इनके घर में, और जब आना जाना था तो ये बात पूरी तरीके से तय हो जाती है, कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं, उसकी जो भी इमोशंस है वो जुड़े हुए थे, और जब उसका किसी प्रकार से जो उसका उसके मन की चीजें थी वो नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से उसने ये कदम उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हमें इस खबर पर। बड़ी खबर है बांदा से आपको बता रहे हैं, जहां डबल मर्डर के बाद हत्यारे ने खुद को गोली मार ली। आपको बता दें, मां और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा मान रही है पुलिस, डीआईजी व पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं। मामला गिरवा थाना अंतर्गत क्षेत्र के थाने से चंद कदम की दूरी का। और इधर कानपुर में आईआईटी से मोती झील तक मेट्रो दौड़ाने के प्रदेश सरकार के सपने को पूरा करने के लिए सभी विभागों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज केडीए सभागार में केडीएवीसी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में जहां मुख्यतः बीएसएनएल, केस्को, नगर निगम और अन्य विभागों से मेट्रो कार्य को लेकर एनओसी मांगी गई, वहीं पाइपलाइन और गैस लाइन जैसी यूटिलिटी को शिफ्ट करने को लेकर भी कार्य योजना तैयार की गई। ये बेसिकली क्योंकि केडीए इसमें एक नोडल विभाग की तरह नामित है,
तो हम लोग ये बैठक सभी विभागों को बुला के करते हैं ताकि जो सीएम साहब का उद्देश्य है कि 2022 तक मेट्रो यहाँ पे चला दी जाए उसको लेकर हम लोग कर रहे हैं तैयारी। जो बेसिकली अभी हम लोग को ये तैयारी करनी है कि आईआईटी से मोती झील तक जो मेट्रो बनाई जा रही है उसमें विभिन्न विभागों की एनओसी हम लोग को चाहिए, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, वीएसएनएल हो गए, जो गैस वाली है, और लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट हो गया। तो इन सब की ये बैठक थी। इसमें सभी विभागों की एनओसीज आ गई हैं, सिर्फ एनएचएआई की एनओसी नहीं आई है। और उन्होंने अभी अपने उनको दिल्ली से चूंकि इसको देखना होता, उन्होंने दिल्ली को लिख दिया है और दो दिन में एनएचएआई की भी एनओसी आ जाएगी। मेन मुद्दा अब यूटिलिटी का है जिसपे भी कार्रवाई आई थिंक अगले 7-8 दिन में अन्य विभाग कर लेंगे। आज अनवरगंज के कुली बाजार इलाके में एक जर्जर इमारत ढहने का मामला सामने आया। इस दुर्घटना में जहां मलबे में दबने के कारण एक महिला की मौत हो गई, वहीं क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि इमारत करीबन 80 साल पुरानी थी और बिल्कुल जर्जर स्थिति में थी। लोगों ने यह भी बताया कि इमारत को गिराने को लेकर कई बार नगर निगम में एप्लीकेशन भी दी गई जिसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस हादसे ने नगर निगम की कार्यप्रणाली के साथ साथ जनता के लापरवाह रवैये को भी लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि बरसात के मौसम को देखते हुए नगर निगम द्वारा शहर में कई जर्जर इमारतों को चिन्हित कर उन्हें खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नगर निगम की इस चेतावनी को नजरअंदाज कर अभी भी लोग जर्जर इमारतों में रह रहे हैं और कहीं न कहीं कई बार बड़े बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। सवेरे अपने घर की सफाई कर रहे थे तो लेडीज की आवाज सुनाई दी है, उसमें ये हल्ला मचा कि छज्जा गिर गया। वह उसके बाद ये ताला तोड़ के वो फायर ब्रिगेड आई, उठा के ले गई लेडीज जो निकली थी। देखिए अभी पता चला है कि लगभग 9 बजे एक मकान कुली बाजार का 77/3B गिरा हुआ, उसमें एक महिला की दबके मौत हो गई। और चूंकि आर नगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें लगभग आज भी 40% मकान इसी जर्जर पोजिशन में है, इसके लिए कई बार नगर आयुक्त को, कमिश्नर को, डीएम को ज्ञापन दे दिया गया। जो एक आम आदमी की जान विवादित मकान में क्यों जाए, तो इसके विषय में शासन और प्रशासन को सोचना चाहिए। आपने अक्सर सांपों द्वारा आदमी को डसने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन यूपी के एटा में एक अनोखा मामला सामने आया जहां एक युवक ने जहरीले सांप को डस लिया। कोतवाली देहात क्षेत्र के अस्ट्रोली गांव का ये पूरा मामला है जहां एक शख्स के घर शादी समारोह चल रहा था और शादी समारोह में नागिन वाला डांस गाना बज रहा था कि तभी इस बीच जहरीला सांप आ गया जिसे देखकर भगदड़ मच गई। और इसी बीच राजकुमार नाम के युवक ने शराब के नशे में सांप पर डसा और दांतों से काटकर उसके 4 टुकड़े कर दिए, जिसके बाद युवक की तबीयत बिगड़ने के साथ वो बेहोश हो गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज जारी है। की हालत में था, उसने सांप को पकड़ लिया और उसने उसके कई टुकड़े कर दिए। अब हमने उसको देखा है तो वो अभी भी शराब की हालत में है, उसका इलाज कर रहे हैं और यहाँ पर भर्ती कर रहे हैं। कैसी हालत है अभी उसकी? हालत तो अंडर ऑब्जर्वेशन है क्योंकि हालत उसके शराब के नशे में, इसलिए स्पष्ट नहीं हो रहा है। बीते कई दिनों से हुई बारिश ने बीमारियों की बौछार कर दी जहां कानपुर अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। उर्सला अस्पताल की बात की जाए तो 4 मरीज मलेरिया के भर्ती हुए, तो वहीं 5 से 6 मरीजों की स्थिति संदिग्ध लगने पर उन्हें जांच के लिए भी भेजा गया। वहीं ओपीडी में रोजाना 300 से 400 मरीज आ रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा वायरल फीवर के मरीज हैं। फिजिशियन डॉक्टर गौतम जैन ने बताया कि मलेरिया के 4 मरीज भर्ती हुए हैं जहां उनका इलाज जारी है। बारिश के बाद काफी संख्या में वायरल फीवर और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मरीज आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा साफ सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी मामले में कूलर या गड्ढों में पानी जमा ना होने दें, साथ ही ताजा व खाना और फल खाएं। ज्यादातर मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है, वायरल फीवर ज्यादा केसेस आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के भी केसेस आ रहे हैं।
तो चूंकि मौसम में बदलाव की वजह से ये हो रहा है, बच्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मैं लोगों को सलाह दूंगा कि बच्चों से जनता बचा नहीं सकता है, बचाव करें, खाना बिल्कुल बासी ना खाएं, एकदम ताज़ा खाना खाएं और पानी को पीते रहें। कानपुर के बेगमगंज में करंट से मौत होने के मामले को लेकर केस्को की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं, जहां इसकी जांच विद्युत सुरक्षा निदेशालय की तरफ से की जा रही है और जांच के आधार पर ही मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। केस्को एमडी सौम्य अग्रवाल ने बताया कि केस्को की काफी संपत्ति भीड़ ने नुकसान किया है, जिसके लिए भी जाँच की जा रही है और जाँच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। बेगमगंज में जो घटना घटित हुई है उसमें जो पब्लिक ने डैमेज किए थे एबीसी पैनल्स, वो सही करके उसको वहाँ पर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है। और जहाँ तक डेथ के मुआवजे का बात है, उसमें विद्युत सुरक्षा निदेशालय के द्वारा जांच की जा रही है और उनकी जांच के आधार पर अगर उनकी जांच में सिद्ध होता है कि बिजली विभाग की कोई लापरवाही थी या ठेकेदार की कोई लापरवाही थी, तो उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर जिले में खुलेआम घूम रहे अन्ना मवेशी किसानों के लिए बड़ी समस्या का कारण बने हुए हैं। इससे परेशान होकर किसानों ने अन्ना जानवरों को हाँक कर कलेक्ट्रेट ले जा रहे थे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया, जिससे किसान अन्ना जानवरों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। फसल बर्बाद कर रहे हैं, तो विधायक जी ने कहा कि 40 गायों का प्योर परमिशन हो सकता है वहाँ गौशाला में, तो ये चार तो गाय हैं और 40 गाय में क्या होगा, यही मामला। गाय कहाँ, इतनी सारी गाय कहाँ की है? ये कुटुम्बी ग्राम सभा की है। फसल नुकसान करते थे क्या? फसल पूरी बर्बाद कर दी है। फरुखाबाद में सैनिक परीक्षा में नकल करने के प्रयास में एक परीक्षार्थी के साथ 8 सॉल्वर को पकड़ा गया। फतेहगढ़ राजपूत रेजिमेंट सेंटर में सैनिक भर्ती की लिखित परीक्षा हुई, जहां जयपुर के कोटला पुतली निवासी परीक्षार्थी संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया। उसके पास से ब्लूटूथ डिवाइस मिली थी। सेना पुलिस ने राजवीर से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद सेना पुलिस ने कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस के सहयोग से कमलेश राकेश कुमार समेत 7 सॉल्वर को पकड़ा। ये सभी राजस्थान निवासी बताए गए। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। कदम बढ़ाइए सुनहरे भविष्य की ओर MGI झांसी के साथ। MGI की सफल ब्रांच मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ। अपने पॉलिटेक्निक को कंप्लीट करें। इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सभी शाखाएं कैट, प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल के साथ। शैक्षिक योग्यता 10वीं पास, सीट्स लिमिटेड। मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोचा भावर, कानपुर रोड, झांसी। सिटी ऑफिस पॉलिटेक्निक, MPS CIC कैंपस, चौखान पार्क, झांसी। कॉल फॉर एडमिशन 7348550011। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का
खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट ग्रैंड गीत होटल द मॉल कानपुर। आप अपनी सेहत का रखें ध्यान, बने चुस्त दुरुस्त और बलवान। वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ होगी चर्चा, आप जानेंगे सेहत के सूत्र जो होंगे आपके लिए उपयुक्त। जेएमडी न्यूज पर देखें सेहत के सूत्र अंजनी निगम के साथ प्रत्येक मंगलवार दोपहर 1:30 बजे। वो कुछ भी करें आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। मनोरंजन ही मनोरंजन मात्र 176 रुपए में। जी हाँ, टेन नेटवर्क्स लाया है अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नया प्लान जिसमें आपको मिलेंगे 136 चैनल, वो भी मात्र 176 रुपए प्रति माह में। उसमें आप देख सकेंगे 100 फ्री टू एयर चैनल्स और 36 पे चैनल्स जैसे आज तक, जूम, CNBC आवाज, मूवीज ओके, सोनी मिक्स, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार उत्सव मूवीज, जी सलाम और भी बहुत से पे चैनल्स। तो देर किस बात की, आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आप जन की आवाज। बाद आपका स्वागत है और अब रुख करेंगे अगली खबर का। सावन के दूसरे सोमवार को शुक्लागंज में गंगा स्नान करने गए 4 युवक गहरे पानी में डूब जाने की वजह से डूब गए। उन्नाव कोतवाली क्षेत्र के मगरवारा चौकी अंतर्गत देवीखेड़ा निवासी युवक अपने 3 दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने गए थे। इस दौरान चारों युवक बैरिकेडिंग पार कर गहरे पानी में नहाने की वजह से डूबने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने गोताखोरों को घटना की सूचना दी। गोताखोरों ने 2 युवकों को तो बचा लिया लेकिन 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाल ही में जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता अरुणेंद्र कुमार राजपूत के साथ हुई मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ जलकल विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं अब कर्मचारियों ने इस घटना का विरोध करते हुए आंदोलन करना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज जलकल कर्मचारी संघर्ष समिति के लोगों ने जल निगम मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जहां आरोपी पार्षद शरद मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की, वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो लोग विभाग की जलापूर्ति सेवा छोड़कर सभी जगह कार्यबंदी करेंगे। सत्ताईस तारीख को वार्ड 29 के पार्षद शरद मिश्रा द्वारा सुनियोजित तरीके से हमारे अधिशासी अभियंता AK राजपूत के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनको गंदे पानी में खड़ा किया गया। इस विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे पूर्व भी हमारे अवर अभियंताओं के साथ हमारे अन्य वार्डों में इस तरह की व्यवहार दुर्व्यवहार होता आ रहा है। अब हम लोग इस दुर्व्यवहार को सहन नहीं करेंगे और जब तक ये पार्षद
जेल के सलाखों के पीछे नहीं होता है तब तक हम अपने आंदोलन को बदस्तूर जारी रखेंगे। उन्नाव के देवारा कला स्थित पूर्णिमा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बालिका जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाल संरक्षण अधिकारी ने छात्राओं को सुरक्षा और महिला अपराध के खिलाफ मौन तोड़ने और अपराधियों का डटकर मुकाबला करने की अपील की। इसके साथ ही छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर की भी जानकारी दी गई। सुरक्षा के लिए कवच अभियान 1 जुलाई 2019 से 31 जुलाई 2019 तक ये चल रहा है। इसी क्रम में मैं आज इस स्कूल में उपस्थित था। इस प्रोग्राम के तहत बालिकाओं को सुरक्षा से संबंधित विभिन्न फ़ोन नंबर बताए गए, जिसमें 181 1090 1098, डायल 100, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना, JJAct, PASCO Act, बाल श्रम तथा बाल विवाह इत्यादि विषयों पर बालिकाओं को विस्तृत रूप से बताया गया। आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस मौके पर शहर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कानपुर में भी परमठ आनंदेश्वर मंदिर से लेकर सभी शिवालयों तक हर हर महादेव की गूंज है। कानपुर में बाबा आनंदेश्वर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। मंदिर का द्वार खुलते ही भक्तों ने हाथों में गंगा जल और दिल में मनोकामना लिए भोलेनाथ के दर्शन किए और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा मंदिर गूंज उठा। बाबा के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों का तांता देखने को मिला। कानपुर देहात के रसूलाबाद कस्बे में मुख्य चौराहे से थोड़ी दूरी पर प्राचीन खेरे पर स्थित श्री धर्मगढ़ बाबा का मंदिर आस्था व विश्वास का प्रतीक है, जहां बाबा के दर्शन पूजन और जलाभिषेक के लिए भक्तों का सैलाब देखने को मिला। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा से जो भी मन्नत मांगते हैं, बाबा उसकी हर मुराद को पूरा करते हैं। मंदिर के बाहर विशाल मेले में भी काफी भीड़ देखने को मिली और इसी के तहत पुलिस ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। फतेहपुर जनपद के अमोली विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत स्थित अर्गलेश्वर धाम का विशेष महत्व है। वैसे तो यहां पूरे वर्ष ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन को लेकर लोगों की विशेष मान्यता है कि जो भी भक्त यहां सच्चे मन से मन्नत मांगता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और इसी के चलते सावन के दूसरे सोमवार को भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने बताया कि इस धाम का विशेष महत्व है और ये शिवलिंग पाताल से निकलता था, जिसके बाद यहां पर मंदिर की स्थापना की गई और सैकड़ों वर्षों से यहां निरंतर पूजा और अर्चना की जा रही है। कीर्तन भजन और इसका भंडारा अपार होता है। यहाँ से अच्छे श्रद्धावान आते हैं, जो सबको समदर्शी और जो वाणी दी गई है वो सिद्ध की गया है। यहाँ से कोई इसका अंत नहीं पाए, ये बहुत कहते हैं यहाँ के जितने लोग हजार लोग
सतनी कीर्तन भजन और इसका भंडारा अपार होता है। यहाँ से अच्छे श्रद्धावान आते हैं। फतेहपुर जनपद के देवमयी विकासखंड क्षेत्र में चल रहे अमान्य विद्यालयों में खंड शिक्षा अधिकारी ने छापेमारी की, जहाँ पर बकेवर कस्बे में माँ सरस्वती विद्या मंदिर को मान्यता नहीं होने पर बंद करा दिया गया है। वहीं बिजुरी गांव में पंडित जुगल किशोर शिक्षण संस्थान में 6, 7, 8 की अमान्य कक्षाएं मिलने पर उसको बंद कराया गया, जहां विद्यालय में 3 शिक्षकों की जगह 2 ही शिक्षक मिले, जिनके कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और इस छापेमारी में विद्यालय संचालकों में हड़कंप मच गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। ग्रैंड कीथ होटेल्स।